मैडम पूछना चाहेंगे कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, सरकार इधर से उधर होगी, महागठबंधन की लोगों ने उम्मीद किया है, महागठबंधन की ओर से क्या उम्मीदें होगी? शिक्षकों को जो लगातार मांगे हैं, इनके कई सूत्री मांगे हैं, शिक्षकों की मंजूरी है कि सरकारी दम किया जाए, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी सरकार जो हमारी क्या कहिए, जो सरकार चल रही है सुशासन की सरकार जिसे लोग कहते हैं, और इसने सिर्फ हमारे टीचरों को भ्रमित करने का नया नियमावली लाने का काम किया है, और उस नियमावली में कोई खास ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने एक ख्याली जिस तरह से मोदी जी लोगों को सपना दिखाते हैं, उसी तरह से माननीय नीतीश जी ने भी हमारे टीचरों को, टीचर में कोई कास्ट बैरियर नहीं होता है कि ये कास्ट वो कास्ट, शिक्षक ही मतलब कि पूरे समाज के तबके के लोग उसमें समय जीते हैं। और ऐसे हाल में हमारी जब सरकार आने वाली, हमारे तेजस्वी जी के कहना है कि हमारे शिक्षकों को नियोजित किया जाए, और उनका जो डिमांड है उस डिमांड पर हम 100% उनके साथ खड़े हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि हमारे मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे जो शिक्षक हैं जहाँ बदहाल हैं और अपने मांगों को लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी भी लोग आंदोलन के मूड में हैं, तो इस सरकार तो फिर सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का बात कर रही है, टीचरों के परिवार के बारे में न सोचती है, न शिक्षकों के जो नियमित करने की बात है उसके बारे में सोच रही है, सिर्फ EPF वो भी 15% की बात करें, उसी में से 12% आपको EPF में ही कट जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? कौन सा लॉलीपॉप 2021 की बात करते हो? आपने यहाँ विकास का कौन सा मॉडल आपने दिखाया है? जनता के हित में आपने कौन सा, अभी कोरोना काल की जो स्थिति है, जो हमारे ठेला वाले हैं, खोमचा वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, ये बड़े पैमाने पर जिस तरह का एक लोगों को रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। और अभी आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था, ये तबलीगी जमात पर जो आरोप लगाया जा रहा था कि कोरोना का वायरस लेकर के तबलीगी जमात ने फैलाने का काम किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है, तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश चल रही है। क्या आगामी सरकार रहेगी या उखाड़ फेंकेगा लोग? इसलिए कि गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर सब लोगों ने जो झेला है, एक और हमारे यहाँ कोरोना के मार से लोग मर रहे हैं, किसान ऐसे ही मर रहा है, दूसरी ओर बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, कौन आदमी है जो कि लाइन लगा करके वोट देगा? इनका वर्चुअल रैली होता है, जितने नेता लोग बैठे थे सारे लोगों को कोरोना हो गया पॉजिटिव, और हमारी गरीब तबके के लोग को कहते हो आप लाइन लगा करके वोट दो? क्या ऐसी अवस्था में लाशों के ढेर पर, कोरोना का जो वायरस चल रहा है उसके ढेर पर क्या चुनाव कराना आज उचित था क्या? मनीष, बार बार में जो चुनाव होने वाला है इसमें NDA की पूरी तरह सफाया हो जाएगा? बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा, और मैं समझती हूँ कि नीतीश बाबू जो चेहरा लेके घूम रहे हैं ना, अब वो घूमने लायक भी नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ इनके मंगल पांडे गए, काला झंडा और मुर्दाबाद का इनके नेताओं पर नारा लगाया जा रहा है, जहाँ विधायक लोग जा रहे हैं उनका मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जितने लोग उपेक्षित, खासतौर पर हमारा युवा पीढ़ी, बेरोजगारी की समस्या मुंह बा करके खड़ी है, केंद्र की सरकार वही कर रही है, सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर के जा रही है, एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, MTNL में भी लोगों को घुसाने का बात किया है, और इन लाइफ इंश्योरेंस में भी, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मोदी कहते हैं कि इतने साल के शासन में कांग्रेस की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जब कुछ नहीं किया था तो तुम बेच कहाँ से रहा है, कहाँ से धरती पर आ गई थी? इसलिए मैं कहूँगी कि ठीक है, हमारे डॉक्टर आज बेचारे इतना परिश्रम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, प्रशासन के लोग हैं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कौन सा व्यवस्था किया? जहाँ हॉस्पिटल खोलनी चाहिए थी वहाँ पर अभी तक हॉस्पिटल नहीं, जाँच के किट्स बढ़िया से नहीं है, तो ये सरकार पूरी तरह से नकारने वाली सरकार है। इसे कोई भी तबका, जो लोग कहते थे ना कि हमारे लोग भी हमको वोट देते हैं, जो जिन लोगों ने वोट दिया है वो लोग भी आज ग्रसित हैं।
इसलिए उनको दो टूक जवाब देना है वोट के माध्यम से, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है।